नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के धामनोद में बाईपास स्थित चौराहे से धामनोद पुलिस ने अवैध शराब भरकर परिवहन कर ले जाए जा रहे ट्रक को पकड़ा। जब्त अवैध शराब का मूल्य 42 लाख रुपए है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब लेकर ट्रक इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। धामनोद के समीप तिराए पर बाईपास पर पुलिस ने ट्रक को रोका। वाहन के चालक से पूछताछ करने पर इसके पास अवैध शराब से संबंधित, परिवहन से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पुलिस ट्रक सहित आरोपी को थाने लेकर पहुंची। ट्रक के अंदर 1100 पेटी शराब थी। इसमें 400 पेटी के क्वार्टर पर क्रेजी रोमियो विस्की का लेबल लगा था, बाकी पर लेबल नहीं लगा था। अवैध शराब को परिवहन कर लेकर जा रहे चालक से पूछताछ होना बाकी है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आज ये मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे, इंदौर की तरफ से एक पंजाब पासिंग ट्रक PB06AV3475 नंबर का, इसमें सूचना मिली थी कि अवैध शराब महाराष्ट्र की तरफ ले जाई जा रही है, जिसपे से थाने के फोर्स की मदद से इसको यहाँ फूडी तिराए पर AB रोड पर इसको रोका और चेक करते इसमें करीब ड्राइवर मिला, इश्तियाक खान नाम का ड्राइवर था अकेला, और ये रहने वाला नया गांव पालघर महाराष्ट्र का है। और ट्रक में करीब 1100 पेटी अंग्रेजी शराब भरी थी, जिसके बारे में उससे परमिट और अन्य चीज़ों के बारे में पूछते ना तो परमिट था, यानी अवैध शराब थी। और जिसको चेक करते उसमें 1100 पेटी के लगभग दारू थी, जिसमें 400 पेटी क्रेजी रोमियो विस्की के नाम से थी और शेष पेटी जो थी वो बगैर ब्रांड की थी, उस पर कोई लेवल नहीं था। इनकी जो उस पर प्रिंट है प्राइस, उसके हिसाब से टोटल कीमत हो रही है लगभग 42,000-24,000 की शराब है और करीब 15 लाख ट्रक की कीमत है। इस प्रकार से टोटल करीब 57 लाख का टोटल मशरूका है जो जब्त किया गया। इस शराब को पूरी जब्त करके और इसमें 34-2 का प्रकरण करके विवेचना प्रारंभ कर दिए। दिलीप सिंह चौधरी, थाना प्रभारी, धामनोद, जिला धार।